नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल की पहचान नमस्ते चौक के निर्माण होने के उपरांत नमस्ते जी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नमस्ते जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सर छोटू राम किसानों के मसीहा की प्रतिमा पर जाकर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में हम सबको अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नमस्ते चौक जो करनाल की एक पहचान है, दूर से ही दिखाई देती थी, उसको दोबारा से बनाया गया है। इस अवसर पर दानवीर करण के नाम से भी एक गेट स्थापित किया गया है, जिस पर लगभग 72 लाख के करीब का खर्च आया है। वहीं पर नमस्ते चौक पर स्थापित मूर्ति पर 15 लाख के करीब खर्च आया है। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम की मूर्ति को भी नगर निगम द्वारा ऊंची और भव्य बनाया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट, देखिए मनोहर लाल खट्टर ने और क्या कुछ कहा। निर्माणाधीन है वो सब भी हो जाएंगे। ऐसे ही इस द्वार के साथ साथ आज जो नमस्ते मूर्ति, नमस्ते की जो मूर्ति है, ये पहले भी यहां लगी थी। छोटू राम नमस्ते चौक ऐसा करके इसका नाम था, तो नमस्ते चौक के नाम से जो नमस्ते की मूर्ति, उसका भी एक प्रकार से उसका नवीनीकरण किया गया है, उसमें उसका साइज बढ़ा किया गया है, उसका सौंदर्यकरण किया गया है। और ये मूर्ति जो है धरातल से 25 फुट ऊंची है। 25 फुट ऊंची मूर्ति अभी दूर से नजर आएगी तो नमस्ते चौक का जो अपना जो एक पुराना हमारा एक मान्यता जैसी थी, दूर से ही नमस्ते मूर्ति दिखती थी, लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद ये मूर्ति दब गई थी, इसलिए उसको थोड़ा सा ऊंचा किया है। फिर से नमस्ते चौक की याद ये हमारी करनाल की बनी रहे, उसका भी आज उद्घाटन किया है। लगभग इसके ऊपर 15 लाख रुपए का ये खर्च आया है, और ये जो द्वार बना है इसके ऊपर भी 72.5 लाख रुपए का ये खर्च आया है। तीसरा स्थान है इस पर, वो है चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति। चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति का भी सौंदर्यकरण वो तो सब किया ही गया है, लेकिन एक बात जो भी ध्यान में आई है कि उस मूर्ति को भी थोड़ा सा बड़ा बनाने की आवश्यकता है। हालांकि जाट सभा के लोगों ने कहा कि वो बनाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हम जाट सभा के लोगों को एक कष्ट न दें, हम कारपोरेशन की ओर से ही इस मूर्ति को भी बड़ा बनाएंगे, और उसी प्रकार से 10 फुट का नीचे बेस होगा और 15 फुट की मूर्ति होगी, तो ऐसे 25 फुट की या 24 फुट की ये मूर्ति ये बनेगी। 10 फुट बेस है और 14 फुट की मूर्ति, ऐसा ना? हाँ, तो ये मूर्ति प्रवीण लाठर खुश है। प्रवीण लाठर तो कुल मिलाकर इस मूर्ति का भी हम कारपोरेशन की ओर से इसका सौंदर्यकरण भी और इसका नवीनीकरण भी, वो आज मैंने कह दिया है अपने कमिश्नर महोदय को कि उसका वो जल्दी से बना करके उसका भी उद्घाटन कराए। इसी प्रकार एक एनवायरमेंटल सेंसर बोर्ड उपस्थित सब मेरे करनाल निवासी भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकर मित्रों, पहला विषय तो यह है कि पिछले 6 महीने से हम लोग न केवल करनाल, न केवल हरियाणा प्रदेश, बल्कि देश और दुनिया सभी एक बड़ी महामारी की चपेट में आए हुए हैं। अलग अलग अनुमान है, कभी इसका पीक आ गया, कोई कहते हैं अब ढलान पर है, कोई कहते हैं अभी और मार्च तक चलेगा, लेकिन निश्चित कुछ नहीं है। जानकारी के लिए बता रहा हूं कि मैं सार्वजनिक तौर पर अगर किसी कार्यक्रम में करनाल में आया था तो 16 मार्च का वो दिन था जब मैं करनाल में था। एनडीआरआई में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम थे, बाद में आना कई बार हुआ, लेकिन इस प्रकार से सार्वजनिक कार्यक्रम में उसके बाद आज पहली बार आप लोगों के समक्ष में आ रहा हूं। इस बीच में आपको पता, मैं स्वयं भी उस कोरोना महामारी के चक्र में फंस गया था,
25 अगस्त से लेकर के और अभी 10 सितंबर को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद भी छोटे बड़े कार्यक्रम चंडीगढ़ बैठ के मैं कर रहा था। मन में कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन हमारे में से कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना ही है कि हम सब कुछ की सावधानी बरतनी है, क्योंकि करनाल में भी एक बार खूब तेजी से ये फैला था, अभी थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड है। फिर भी मैं आप सबको आज इस उद्घाटन अवसर पर भी, क्योंकि ये बार बार याद करने का विषय है, हम सब सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मुंह पर मास्क लगा करके, खास करके जब इकट्ठे कुछ लोग मिलते हैं तो कम से कम किसी के अगर 2 गज की दूरी के नजदीक भी हम जो होते हैं तो मास्क के बिना नहीं रहना। थोड़ा दूरी पर है तो मास्क उतार करके अपनी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि किस व्यक्ति से किस व्यक्ति तक पहुंच जाए इसकी सुरक्षा। मैं मजाक में कह रहा था कि प्रदेश के मुखिया को सरकार नहीं बचा सकी तो किसी को भी बचा पाएंगे हम गारंटी नहीं है। ठीक करने के लिए तो हम सारे प्रयत्न करेंगे, इलाज के लिए हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर्स है, हमारे कोरोना वॉरियर्स खूब लगे हुए हैं और बहुत मेहनत किए 6 महीने लगातार सब लोगों ने, मैं उनको सलूट करता हूं सबको। पाती है बचना हमारा काम है, सरकार तो अगर कोई समस्या संकट आए तो उसके लिए इलाज तो कर सकती है, इसलिए जिम्मेवारी हमारी सबकी है कि इस कोविड बीमारी से बच कर रहे। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि करनाल का यह प्रवेश द्वार जीटी रोड, देश की राजधानी से आने वाले लोग करनाल में जब प्रवेश करेंगे तो उनको एक नया आभास होगा। वैसे तो हमने 7 द्वार ही घोषित किए थे कि करनाल में प्रवेश करने वाले सब जितने भी मार्ग हैं, जितने राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या प्रदेश प्रादेशिक राजमार्ग हैं, राजकीय राजमार्ग, उन सब पर एक कोई ना कोई प्रवेश द्वार होगा। 7 द्वार घोषित किए थे, आज मुझे खुशी है कि उसमें से 2रा द्वार दानवीर करण द्वार के नाम से आज उसका उद्घाटन हो रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.